आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर स्टोन मैन फाउंडेशन ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पॉलिथीन के प्रयोग बंद करने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही स्टोन मैन फाउंडेशन द्वारा लोगों को कपड़े के थैले भी वितरित किए गए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि अपने कल को लाना है तो पर्यावरण को बचाना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर स्टोन मैन फाउंडेशन द्वारा जनता को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए निशुल्क कपड़े के थैले वितरित किए, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पॉलिथीन पर्यावरण को दूषित करती है। ये एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी गलती नहीं है। बेशक कई सालों समुद्रों में या किसी भी नदी तालाब में क्यों ना पड़ी रहे, ये जलीय जीवों के लिए भी बहुत हानिकारक है और मनुष्य के लिए भी। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को ये समझाना जरूरी है कि कल को लाना है तो पर्यावरण को बचाना है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए। और हम हर साल एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ये तो हर साल हम एनवायरनमेंट डे को मनाते हैं। यहाँ पब्लिकली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थैले, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक कराते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में हम अपनी फैक्ट्री में भी, जैसे कि हम अपना प्रोडक्ट कहीं पैक करके भेज रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि हम उसको पॉलिथीन में पैक करके भेजते थे, बबल टाइप की एक आती है। लेकिन हम अपनी फैक्ट्री में भी एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। आज की डेट में हमने क्या किया है कि अगर हम अपना प्रोडक्ट पैक करके भेज रहे हैं तो हमारा जो पैकिंग मटेरियल है वो पूरा पैकिंग मटेरियल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इसलिए हम लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं और हम अपनी तरफ से भी अपनी फैक्ट्री में भी इस तरीके के काम कार्य करते रहते हैं। लगातार इसका काम चलता रहेगा। हाँ, ये हमारा हर साल चलता है। लास्ट ईयर हमने हमारी जो ये गाड़ियाँ हैं फैक्ट्री की, वो गाड़ियाँ 15 जगहों पे हमने थैले डिस्ट्रीब्यूट कराए थे। उसमें ये हरिपर्वत थाना भी था, शास्तिपुरम चौकी थी, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास 5 गाड़ियाँ थी, और जो आपका बस स्टैंड है टीपी नगर, वहाँ पे भी गाड़ियाँ गई थी लास्ट ईयर। तो हम हर साल ऐसे काम करते हैं। पब्लिकली कितना फर्क पड़ रहा है? देखो, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अगर मान लो 2 आदमी भी इस चीज़ को अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि हाँ, मेरे को पॉलिथीन यूज़ नहीं करनी है, तो हमारी मेहनत सफल है। मैं सुमित भदौरिया स्टोमेक ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एचआर मैनेजर के पद पर हूँ। आज कंपनी ने पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक किया है और लोगों की मैसेज दिया है कि पर्यावरण को बचाना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। जिसमें पर्यावरण में पॉलिथीन है, पॉलिथीन बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। उसके लिए हम लोगों ने एक मैसेज दिया लोगों को कि पॉलिथीन यूज ना करें और थैले का प्रयोग करें, जिससे थैले को हम नष्ट कर सकते हैं। पॉलिथीन से इतना प्रदूषण हो जाता है, जिससे बहुत से जीव जंतु प्रदूषण की वजह से मरते हैं, जीव जंतु से समुद्री जानवर भी बहुत मरते हैं। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग जागरूक हों और इस योगदान में साथ दें, जिससे सरकार भी पर्यावरण को बचाने में मदद कर रही है, तो उसको सहयोग दें।